अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TRK न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अगले साल से वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव। म्युनिसिपल सेक्रेटरी शोपियान ने आज किया खित्ते के कई बाजारों का दौरा, 3,000 रुपए जुर्माना भी वसूल। और श्रीनगर में मुनक्की तकरीब के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने की राहुल गांधी की पार्लियामेंट से निकाले जाने पर बात। अब पेश है खबरों की तफसील। नाज़रीन, मरकजी वजीर बराए रेलवे मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर में USBRL प्रोजेक्ट पर जारी मंसूबों और बुनियादी ढांचों से मुतल्लिक कामों के सिलसिले में मीडिया से खिताब किया। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। छोटे से छोटे गाँव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है, कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुँचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़े स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से। और बहुत सारी बातें आपके साथ, जैसे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बारे में दिन रात उनके मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के समकक्ष, वर्ल्ड के समकक्ष जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो वो सारी देनी चाहिए और हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा वो अपने आप को आइडेंटिफाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके प्लीज पूछें। मरकजी वजीर बराए रेलवे अश्विनी वैष्णव का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल से वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी क्योंकि जम्मू श्रीनगर रेलवे लिंक इस साल ही बहाल की जाएगी। जराए के मुताबिक बारामूला में मुनक्किद एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुपवारा और वादी कश्मीर के दीगर दो मकामात को जल्द ही मुल्क के रेलवे सर्विस से जोड़ा जाएगा। बहुत ही खुशी है कि रेलवे लाइन का, भारतीय रेलवे के नेटवर्क का जो लास्ट स्टेशन है बारामूला, आज यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, कंप्लीट देखा स्टेशन को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को, और बहुत सारे सुझाव आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है जम्मू और कश्मीर को अत्याधुनिक, एकदम मॉडर्न सारी फैसिलिटीज़ मिले, उस सबका विज़न आज क्लियर हुआ। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा, स्टेशन में और इम्प्रूवमेंट आएंगे, लाइन को डबल करने का, नए कनेक्शंस लेने का, टेलीफोन कनेक्टिविटी का, पार्सल सर्विस, अपने यहाँ पे जो सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल्स, उनको कैसे लाया जाए, प्लस यहाँ से एप्पल का एक्सपोर्ट होता है, जिप्सम का एक्सपोर्ट होता है, उन सब के लिए क्या फैसिलिटीज क्रिएट की जाए, वो सारे डिस्कशंस हुए। सर, ठंड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ठंड का इलाका है, यहाँ पे वो हीटिंग सिस्टम नहीं है सर। बिल्कुल, वो हीटिंग सिस्टम की भी बात हुई है और इस तरह की सारी फैसिलिटीज को बहुत जल्दी क्रिएट किया जाएगा। रिजर्वेशन के लिए इशू है, रिजर्वेशन नहीं होती है, जो बाहर किसी के जाना होता है दिल्ली या मुंबई, रिजर्वेशन फैसिलिटी नहीं है। देखो, बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश के रेलवे नेटवर्क को एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपना जम्मू से श्रीनगर का जो लिंक है वो लिंक कंप्लीट हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा और अगले साल तक
आप देखेंगे इस एरिया में वंदे भारत भी आएगी। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का इशू, कुपवारा की बात भी हुई है, कुपवारा को कनेक्टिविटी देने की, बाकी दो तीन और जगह है उन सब के लिए भी कनेक्टिविटी की बात हुई है। धन्यवाद। करीब करीब इस साल के एंड तक। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज श्रीनगर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाले जाने पर बातचीत की। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था, एक नजर। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, ये दो साल तीन साल पहले की बात है। उनका एक केस चल रहा था और उस केस में जो उन्होंने किसी एक समाज को, तीली समाज के, ओबीसी समाज का, उन्होंने एक प्रकार से उनका गलत नाम उनका लिया था, उस समाज के लोगों ने कोर्ट में उसका एफआईआर, केस चल रहा था, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ था, कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसको दो साल की सज़ा दी। ये सज़ा उसको बीजेपी ने नहीं दी, ये सज़ा कोर्ट ने उसको दी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जब मनमोहन सिंह जी ने एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की और उसने कहा कि मैं ये जो एज पर रूल जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असेंबली दोषी ठहराया जाता है तो उसी समय उसकी सदस्यता खत्म हो जाती थी, उसका अमेंडमेंट वही बिल था जिस बिल को इसी राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया और उसको नीचे ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह जी को एक गलत करार दिया था। वो यही अमेंडमेंट था कि उसको ऐसे किसी भी सदस्य को जब सजा होती है तो उस सजा के बाद उसको सदस्यता समाप्त नहीं होगी, वो वही रेजोल्यूशन था। अगर उस समय राहुल गांधी जी ने थोड़ा सा सोच विचार किया होता तो आज शायद उसको सदस्यता नहीं खोनी पड़ती। एज पर लॉ, एज पर कानून उसको ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। वैसे कश्मीर आम आदमी पार्टी के सदर नासिर अली खान ने आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली के लीडरान और पार्टी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ पहुंचे, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और पूरी कोशिश की थी हमने कि हम हमारे ज़रिए, हमारे लोगों के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की आवाज़ बने जिन लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुँच पाती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हम देख नहीं पा रहे थे, तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि हम जिस प्रोसेस में काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी से पहले, उसी प्रोसेस में हमारी आवाम के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि सोशल एक्टिविज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वैली के लिए। क्योंकि पिछले 30 सालों से जो डैमेजेस यहाँ हमारी वैली में किए गए हैं, उस डैमेजेस को ठीक करने के लिए हमारी आवाम, हमारे जवानों को सामने आके काम करना पड़ेगा। और इस काम करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बहुत स्मूथ रखने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि ऑफिशियली रिज़ाइन किया जाए आम आदमी पार्टी से, और जो हमारा काम हम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, उस काम को हम कंटिन्यू करते रहें। वी आर नॉट हर्टिंग एनी वन सेंटिमेंट, इट इज़ प्योर डिसीजन टेकन बाई माई सेल्फ, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन इन द वैली एंड कंसिडरिंग द अपकमिंग सिचुएशन फॉर द वैली, बिकॉज हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम चाहते हैं कि उस लेवल का हो जिससे लोगों को राहत मिले। जो लोग हमारे आम जनता है, जो वाकई में एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी आवाज़ बेचारे कहीं तक पहुँचा नहीं पाते, हम उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। बट एक ऐसे प्रोसेस में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो प्लेटफॉर्म वाकई लोगों का हो और लोगों के बारे में सोचे, और जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई नेगेटिव वाइब ना हो, क्योंकि जिस भी जगह पे कोई कंट्रोवर्सी आती है उस जगह पे फिर चीज़ें बेहतर नहीं रहती। और हमारा मानना है कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में, खसूसन कश्मीर वादी में, जो हमारे एस्पिरेशंस है यंग लोगों के, उन एस्पिरेशंस पे काम करके हम उन लोगों को, उन सपनों को, उन ड्रीम्स को बहुत आगे लेके जाए। नाजरीन, म्यूनसिपल सेक्रेटरी शोपियान असदुल्लाह ने आज महकमा खुराक के अफसरान के हमरा ज़िला के कई बाज़ारों में मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई, जिस दौरान उन्होंने कवानीन के ख़िलाफ़ वारसी करने वालों से 3,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। साथ ही दुकानदारों को मशवरा दिया कि वो तयशुदा नरकनामों पर ही अमल करें। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ताकि वो मार्केट में पूरी तरह से चेक करें कि रेगुलरली
इसी सिलसिले में आज भी हम कल भी आप देख रहे थे, कल भी हमारा टीम घूम रहा था मार्केट में, आज भी फोर्टेंसबल की जो स्पेशल ये एनफोर्समेंट विंग है वो भी हमारे साथ लगे और हम भी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, ताकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो कीमतें बढ़ा रहा है, लोगों की शिकायत है, वही हम इकदार में रखने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखिए अभी तक जो हमारी जो हमारा चक्कर है कि 3,000 के करीब हमने अभी तक जुर्माना फाइन वसूल किया है वायलेटरों से, और भी हमारा टीम जा रहा है बाकी जगहों पर, ताकि इन ऑर्डर के हर एक मार्केट जो शुपियन में है उनको हम चेक करने जा रहे हैं। लोग चाहते मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब भी किसी को कोई शिकायत है वो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में आए, और हमारा जो टीम है वो 24/7 हमारा जो घूम रहा है, कम से कम 10 से 4 तक हमारा टीम बात रही होता है। अगर किसी के भारत को भी कोई शिकायत हो वो इमिजिएटली हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें, या फोन नंबर जो हमने दे दिए हमसे रेफर करें, जो भी शिकायत है हम होकर पे इसका इजाला करें। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन बडगाम हकीम रूहुल्ला गाजी ने आज भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की, जिस दौरान पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने उनका खैर मकदम भी किया, रूहुल्ला जी को स्वागत किया, उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया, और ये भारतीय जनता परिवार के आज मेंबर बने हैं, और हम मिलकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा यकीन लिए। और ये आइडियोलॉजी जो है, अगर हम खास कर कश्मीर को लें, कश्मीर में जो हम अमन सुकून देख रहे हैं, एक जो शिफ्ट आया है, पीस जो हम देख रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बीजेपी, और मैं समझता हूँ कि इस पार्टी की वजह से बहुत हम लोग अचीव कर सके हैं, खास के वो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस हो, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हो, और कश्मीर जो रीजन है इसको लेके आई सी दिस इज़ द ओनली वायबल सॉल्यूशन फॉर इंडिया एंड कश्मीर। यस दे आर जॉइनिंग एंड इट इज़ के वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तो पब्लिक के लिए ही है ना, इस पार्टी में मिलके जुड़ के मुझे उम्मीद है वो और समाज का अच्छा कर पाएंगे। वर्ल्ड टीबी डे 2023 के हवाले से आज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सोपोर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसका रियासी टीबी सेल के जेर एहतमाम जिला तब्दक मरकज बारामुल्ला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने किया था। आज हमने वर्ल्ड टीबी डे मनाया, इसके बारे में जो थीम थी, यस वी कैन एंड टीबी, इस पे एक्ट करना है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी, इसमें स्टेट होल्डर्स को भी काम करना है, इस पे हमें जो बीडीसी डीडीसी चेयरपर्सन सरपंच सबों को इस पे काम करना है, हमें अब पंचायत लेवल पे काम करना है, ताकि कोई भी पेशेंट ना रहे ट्रीटमेंट के बगैर, और इसका ट्रीटमेंट मुफ्त मिलता है नियर बाय डॉट सेंटर पे, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सेंटर पे इनको मिलता है इसका। नर्सिंग कॉलेज में जैसे कि हम जानते हैं इसकी जो थीम है इस बार वो है यस वी कैन एंड टीबी, ये जो आज प्रोग्राम है इसके यही मैसेज है कि टीबी जो है इसको इरेडिकेट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2025 तक इसे इरेडिकेट करने के लिए संकल्प दिया है, और आने वाले टाइम में हम इसको जरूर पूरा करेंगे। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने 2024 तक का हमें टारगेट दिया है, तो कोशिश है कि हम 2024 तक इसको कम्प्लीट करें, और कोई भी पार्टी विषय बना रहे टीवी को हम पूरी तरह से। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने आज रमजान के हवाले से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाने की अपील की। इस दौरान उनका क्या कुछ मजीद कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लिया जाता है, मगर इस महीने में सरकार का काम जो है वो वक्त पर बिजली का होना और पानी का होना और बाकी जो मार्केट के बीच में जो चीजें हैं उन पर
प्राइस का कंट्रोल करना एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग जो है वो होती है, क्योंकि हर तरह का पकवान जो है माह रमज़ान में होता है, और उसके अलावा डेट्स जो हैं, अभी डेट्स जो हमारे इस यहाँ सारा इंपोर्ट हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी जो प्राइसेस हैं वो भी डिफरेंटली हैं, लेकिन उसको भी कोई चेक नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सी क्वालिटीज़ की डेट्स जो आई हैं। तो इस महीने में सरकार का काम बहुत ज़रूरी है कि वो इस महीने में हर तरह की जो सहूलत है, यहाँ जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं, जो इस्लाम में बिलीव रखने वाले लोग हैं, उनको हर तरह की सहूलत जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें लोगों को दुआ भी करनी चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुश्किलात हैं, लोगों की वो जो हैं वो हल हों, उसके लिए दुआएं हों, उसके लिए लोग वक्त पर जाके जो हम मुनासिब जगह हैं उन पर जाके दुआ करें कि यहाँ कश्मीर में हमें सहूलत जो है वो हर तरह की मिले, ताकि हमारी खुशियाँ जो हैं वो हम लोग हासिल कर सकें और सबके साथ खुशियाँ बांट सकें। से यही कहूँगा कि बिल्कुल सादगी से जम्मू कश्मीर में जो है वो माह रमज़ान में इसको मनाया जाए, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो ऐसे मनाए जाए कि गरीब को भी उसका भी ध्यान रखा जाए, ताकि वो भी इस खुशियों में सब लोगों के साथ शामिल हो सकें और उन्हें भी अच्छा लगे कि वो भी वो चीज़ें इस्तेमाल। जिला अनंतनाग के तहसील दफ्तर बिजबिहारा को जाने वाला राबता सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम मकीनों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुतलका महकमा इस सड़क की ओर तवज्जो देगी। मौजूद जिला अनंतनाग के बिजबिहारा तहसील ऑफिस रोड के बारे में बात करेंगे, जो काफी खस्ता हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, वो आपको दिखाएगा तहसील ऑफिस बिजबिहारा का ये रोड, जिसमें काफ़ी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे दुकानदारों के साथ साथ यहाँ पे मुलाजमीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको मेरा कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेगा यहाँ पे इन विजुअल्स में, किस तरह से यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हुआ है, और यहाँ पे गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे इन मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी एक गुजारिश है, पूरी तौर इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए। आप खुद भी इंडिविजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही रोड है जो कि तहसील बिजबिहारा का रोड है, जहाँ से तहसील ऑफिस भी आता है, जहाँ पे SDM बिजबिहारा खुद बैठता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ तहसीलदार बिजबिहारा, उनका कामकाज वहाँ पे होता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इस रोड को ठीक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके साथ साथ यहाँ पे मकामी लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में गुजारिश है गवर्नमेंट से, पूरी तौर इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इनको मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। द रियल कश्मीर न्यूज़ के लिए मैं अशरफ न्यंगरू, बिजबिहारा अनंतनाग से। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज श्रीनगर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाले जाने पर बातचीत की। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था, एक नज़र। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, ये 2-3 साल पहले की बात है। उनका एक केस चल रहा था, और उस केस में जो उन्होंने किसी एक समाज को, तीली समाज के, OBC समाज का, उन्होंने एक प्रकार से उनका गलत नाम उनका लिया था, उस समाज के लोगों ने कोर्ट में उसका FIR केस चल रहा था, पुलिस में FIR दर्ज हुआ था, कोर्ट में चल रहा था, और कोर्ट ने उसको 2 साल की सज़ा दी। ये सज़ा उसको BJP ने नहीं दी, ये सज़ा कोर्ट ने उसको दी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जब मनमोहन सिंह जी ने एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की और उसने कहा कि मैं ये जो एज़ पर रूल जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असेंबली दोषी ठहराया जाता है, तो उसी समय उसकी सदस्यता खत्म हो जाती थी, उसका अमेंडमेंट वही बिल था जिस बिल को इसी राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया और उसको नीचे ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह जी को एक गलत करार दिया था। वो यही अमेंडमेंट था कि उसको ऐसे किसी भी सदस्य को जब सज़ा होती है, तो उस सज़ा के बाद उसको
सदस्यता समाप्त नहीं होगी। वो वही रेजोल्यूशन था। अगर उस समय राहुल गांधी जी ने थोड़ा सा सोच विचार किया होता तो आज शायद उसको सदस्यता नहीं खोनी पड़ती। एज पर लॉ, एज पर कानून उसको ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सीनियर लीडर शोपियान जावेद हकीम ने उम्मते मुस्लिमा को रमजान करीम की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये महीना अमन और तरक्की का बाइस बने। सबसे पहले मैं मीडिया प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मैं जावेद अहमद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से इस माह मुबारक के मुतबरिक आयाम के दौरान मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो ये मुबारक महीना है ये हमारे जम्मू कश्मीर थ्रू आउट कंट्री खुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अमन बाई बनते चैन और सुख का सांस लेने के लिए एक अहम पैगाम अता करें ताकि लोगों के जो भी मसले हैं वो इन मुतबरिक आयाम के दौरान उनके दुआओं के ज़रिए भाईचारे के ज़रिए चाहे सिख हो बौद्ध हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो मुस्लिम हो जो कोई भी हो इस माह मुबारक महीने के दुआओं से अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन की चैन से ज़िंदगी इंसान बसर करे। नाज़रीन, PhD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुलाजिमों से मुतल्लिक हुकूमती सर्कुलर पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम होने का मतलब ये नहीं है कि एक शहरी के तौर पर तमाम जायज़ आईनी हकूक तर्क किए जाए। उनसे मुतल्लिक मसाइल पर इजहार ख्याल से रोकना उनसे उनके बुनियादी हकूक छीनने के बराबर है। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है मुलाजिमों के बारे में जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास तौर पर यह भी हुक्म दिया गया है अपने मुलाजमीन को कि वो सरकार की नुक्ताचीनी ना करें और अगर ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। मेरी नज़र में ऐसे अहकाम सरीहन आईन और कानून के दायरे से बाहर हैं। एक मुलाजिम शहरी भी है और अगर कोई भी शहरी कहीं पर भी कोई भी पेशा इस्तेमाल करे सरकारी हो या गैर सरकारी वो अपना ये हक नहीं हो सकता कि वो शहरी भी है एक सिटीजन है। और हमारे आईन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर शहरी के लिए हुकूक वजा किए हैं। वो सरकार के नीतियों की हिमायत भी कर सकता है, वो सरकार की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी भी कर सकता है। उसे इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से किसी भी एक्सक्यूज को का। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर कामयाब कारोबारी बन रही है जिसमें मरकज़ और रियासती स्कीम उनका साथ दे रही है। ऐसी एक मिसाल शुमाली कश्मीर के पटन इलाके से सामने आई है जहां से शमशादा बेगम नामी एक खातून तकरीबन 300 लड़कियों को तरतीब दे रही है। TRK न्यूज से बात करते हुए शमशादा बेगम ने कहा कि उन्होंने साल 2018 में JKRLM की जानिब से शुरू की गई उम्मीद स्कीम में शमूलियत इख्तियार की और फिर इसके जरिए उन्होंने दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया और आज वो अपने साथ साथ दीगर 300 लड़कियों को रोजगार फराहम कर रही है। भी होगा, मुझे खुद भी याद नहीं है कितनी लड़कियों ने सीखा और जिन्होंने सीखा भी वो अभी खुद से अर्न भी कर रही है और अपनी यूनिट भी खड़ा किया है उन्होंने।
तो शुक्र अल्लाह का, उसका बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे इस लायक बनाया, कि मैंने दूसरों को भी सिखाया, मेरी वजह से जो भी लड़कियां सीखी, जो अभी सीख रही हैं और जो सीखना चाहती है वो हमारे बुटीक पे आ सकती है, बस उनको फुली ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी कटिंग एंड टेलरिंग की। यहाँ थोड़ा जो हमारे पटन मार्केट है, सोपोर, बारामूला, लड़कियों को दूर हो जाता था जाना, और कुछ लड़कियों को घर वाले एलो भी नहीं करते दूर जाना। तो फिर जब मैंने यहाँ पर डाला तो जो हमारे लोकल के गाँव हैं, जैसे भवानी गाँव आता है या बूचू आता है, ताप पर, जैसे भी जो भी हमारे हैदराबाद पटन ब्लॉक के नज़दीकी गाँव हैं, सब मुझे लगता है कि वहाँ सारे गाँव में मेरे हाथ की सिखाई हुई लड़कियाँ होंगी। जी सर, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, जब भी मेरी ज़रूरतें होती हैं खुद से ही फुलफ़िल हो जाती है, मुझे मांगना नहीं पड़ता है किसी से। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इससे। ये जो आजकल के दौर में हम रहते हैं, किसी सदी में रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को खौफ होना चाहिए या कोई शर्म होनी चाहिए। जिसमें जो स्किल है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ओपिनियन है, दूसरी लड़कियों के लिए, अगर आप में है कोई स्किल, आप आना चाहती हो, काम करना चाहती हो लड़कियों के लिए, मुझे लगता है नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। आ जाओ फील्ड में, करो जो दिल में है। ज़िला बांडीपोरा पुलिस ने 14 आरआर और तीसरी बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलकर फिशरीज़ फार्म के नज़दीक सुमलार इलाके में लश्कर तैयबा के दो अस्करियत पसंद साथियों को नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस दौरान उनके कब्जे से दो चीनी ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज टंगडार में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक अस्करियत पसंद को अजान किया गया, जबकि दो AK-47 राइफल, तीन पिस्तौल और दीगर जंगी सामान भी बरामद किया गया है। उधर पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फौज ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 10 पैकेट मंशियात बरामद कर लिए हैं। नाज़रीन, HMT श्रीनगर में आज ईटा मिनी क्लिनिक शॉप का इफ्तिताह किया गया। इस दौरान इफ्तिताही रस्म ईटा प्रोजेक्ट के CEO प्रवीण कुमार ने अंजाम दी, जबकि इस दौरान उनके हमरा प्रोजेक्ट हेड उवैस अहमद, ब्रांच मैनेजर समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। तमाम इस क्लिनिक को खोलने का मकसद गरीब लोगों को बरवक्त मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करना है। फिलहाल वो लोग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, विदाउट उनको सिर्फ 5 रुपीज़ प्रिस्क्रिप्शन फ़ी है, बाकी उनको कोई फ़ी भी नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी, कंसल्टेशन के हमारी तरफ से फ्री हैं, और दूसरी बात उनको जो मेडिकेशन है वो भी उनको इतिहा कार्ड से ही इनको मिलते हैं फ्री में। ये उन गरीब लोगों के लिए हैं, जिनके पास इतिहा कार्ड हैं, जैसे कि कार्ड की जो ज़रूरत है उनके लिए है। ये एड्रेस है यहाँ मदीना चौक HMT बस स्टॉप जो है, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है इतिहा कार्ड वालों के लिए फिलहाल। तो नाज़रीन, फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप TRK न्यूज़ के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।